या विशेष शिक्षा प्रदान करता है और उसे सिद्धाश्रम ले जाता है। आपको पता है तो 1986 में गुरु जी ने एक 12 ऐसे दिव्य लोगों को चुना था जो करोड़पति थे, वैज्ञानिक थे, ज्ञानी थे, जिनको जो VVIP थे, ऐसे 12 लोगों ने गुरु से प्रश्न किया था कि क्या गुरु जी हम सिद्धाश्रम देख सकते हैं, क्या हम इस संसार को सिद्धाश्रम देखे हैं ये बता देंगे। अब नए लोगों को अपने जान लगे तो वो उसके बारे में नहीं बता सकेंगे, लेकिन आपने जिस सिद्धाश्रम की जिसने व्याख्या की है अगर वो हमें आप बता देंगे तो हम आपको उस सिद्धाश्रम के बारे में चार लोगों को बताएंगे। और गुरु जी ने एक जंगल में ले जाकर उन 12 लोगों को इस तरह का अभिषेक करना करने के बाद दीक्षा शक्तिपात दीक्षा लेकर मंत्रोच्चारण करके आधे घंटे के लिए सिद्धाश्रम 12 लोगों को ले गए थे और वहां एक घंटा रहकर को वापस आए थे। 1986 देखो उसमें लिखा गया है परमपुरुष शंकरदेव ने यह कार्य किया है। मैं आज उसी के माध्यम से एक छोटी सी प्रक्रिया आपको किया हूं। अब 20 साल की परीक्षा का आप अगर भाग लेते हैं तो जीव कांडी सत्र के लिए बैठे हुए हैं गुरु जी, हम 20 साल से मिले हुए, आप हमारी तपस्या को नहीं देख रहे, तभी तो अभिषेक हुआ है। उनका ये कहना है क्या अभिषेक हुआ है तो अगर हम पूछे तो गुरु जी हम आपको भरोसा करके बैठे, इससे बड़ी तपस्या क्या है, हमारा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है वो पता नहीं, लेकिन आपने अभिषेक के द्वारा है हमारे ऊपर या हमारे ऊपर कृपा है, इस अभिषेक का फल आप आगे वाले जन्मों में देखने के लिए कम हुआ था। और आप किस तरह मुझे कभी नहीं भूल सकेंगे, जब भी आपको याद होगा या जन्म होगा आप इस परिक्रमा में होंगे, किसी मंदिर में जाएंगे तो उस मंदिर का पूजा करेंगे, अगर आप शिष्य के शिक्षा से बैठक है हम आपके ऊपर कृपा करते हैं। इसकी परिभाषा है, इसका अत्यंत आप उस दिन देखेंगे, आने वाला दिन आपको बताएगा कि इस शिष्य की दीक्षा का फल क्या है। आप 3 माला मंत्र करने के बाद इस तीन के कुछ सर्टिफिकेट को आंखों को लगा लें या अंदर में ले लें तो उसे अंदर से की गई भी है। इसके बाद आपको तो पता है दत्तों भैया कभी भी ये कहते रहते हैं कि आपको भोजन कैसा करवाएंगे, मैं कहता हूँ गुरुकुल में अगर नहीं था तो लेट करवाएंगे कि नहीं भैया पहले भोजन करवा दो, नहीं तो वो ये कोई दीक्षा के सामने काम नहीं करती, दीक्षा से केवल उपवास है, एक काम का धर्म है, काम का शास्त्र नहीं है, इसलिए दीक्षा से ले भोजन हो जाए तो दीक्षा से भोजन मिला बहुत सुखी होंगे। मैंने कहा दीक्षा से स्थिति साझा करे इसके लिए बांध तक कह गई है तो वो कहते हैं दीक्षा से भोजन हो जाए तो जीवन भर में भोजन मिलेगा तो साधना नहीं मिलेगी, तो साधना बाद में आपको आपकी नहीं है, मेरा काम है भोजन देना। दीक्षा हो गई है भोजन के बारे में कहेंगे, 3 माला होने के बाद फिर से देना गुरु आरती होगी, आप बैठे बैठे ही गुरु आरती सुनना, 3 माला पूर्ण हो जाएगी, गुरु आरती होगी उसके बाद आप फिर से ले लेना भोजन कर लेना, उसके बाद का कार्यक्रम मैं आने के बाद बताऊंगा। Oh,
आपार माता सुखम रहना दयादेव जनार वत्सल अन्नधाश धन्नाते तमेव धर्मम अस्मात् कारणं भावेन रक्ष रक्ष गुरुमा